हेलो एवरीवन, गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक सभी के घरों में बनते हैं। आज हम मोदक बनाएंगे, वो भी इंस्टेंट तरीके से और बिना सांचे के। इसमें हम एक स्पेशल फिलिंग भी ऐड करेंगे। तो चलिए गणपति जी के स्वागत के लिए ये स्पेशल मोदक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 1 कप दूध लेंगे। ये बॉइल्ड और रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ दूध है। इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए, दूध और मिल्क पाउडर मिक्स हो गया है और इसमें लम्स भी नहीं है। अब हम इसको गैस पर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको लो फ्लेम पर ही लेकिन लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी पैन के तले में लग जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा केसर का दूध डाल देते हैं। इसके लिए हमने केसर को गर्म दूध में भिगोकर रख दिया था। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसको और पकाएंगे। और ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप शुगर डाल देंगे। ये देखिए, इसमें चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और देखिए, हमारा इंस्टेंट मावा तैयार हो गया है। इसने पूरी तरह से पैन छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको थोड़ा फैला देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब मोदक की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन लिया है, फ्लेम को लो कर दिया है बिल्कुल। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सूखे नारियल का चूरा, थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाले हैं हमने इसमें, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें थोड़े से रोज़ पेटल्स डाल देते हैं। इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल देते हैं। इनको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कंडेंस मिल्क से इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी और हल्की सी मिठास आ जाएगी। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा मावा और फिलिंग दोनों ठंडे हो गए हैं। अब चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मावा लेंगे और उसको इस तरह से रोल कर लेंगे। बॉल बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए। इसको इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे और इसमें थोड़ी सी फिलिंग रख देंगे और इसको बंद करके इसको फिर से राउंड कर लेंगे। इसी तरह से हम पहले अपनी सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये हमने कुछ बॉल्स तैयार कर लिए हैं। इनको हम 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे ये सेट हो जाएंगी और इन्हें हम आसानी से मोदक की शेप दे पाएंगे। ये देखिए, इनको 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको मोदक की शेप देंगे। थोड़ा सा हल्का सा इनको गोल करेंगे और ऊपर से इनको इस तरह से मोदक की शेप में लाएंगे और अब एक फोक की हेल्प से इस तरह से इन पर डिज़ाइन बना देंगे। ये देखिए, हमारा मोदक तैयार हो गया है। आप यहाँ पर मोदक के सांचे का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इसकी फिलिंग कितनी अच्छी आई है। ये आसानी से बनने वाले मोदक आप इस गणेश चतुर्थी पर ज़रूर ट्राई करिएगा।
ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं और इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।